कलर्स का पॉपुलर शो नागिन के पांचवें सीजन के शो में धीमी शुरुआत करने के बाद अब ऑडियंस पर इस शो ने धमाकेदार पकड़ बना ली है, जहां दर्शकों को नागिन 5 के ट्विस्ट एंड टर्न्स में काफी मजा भी आने लगा है और जहां वाणी, सुरभि चंदना और धीरज धूपर की एक्टिंग लोगों को काफी पसंद भी आने लगी है। ऐसे में नागिन 5 के प्रोमो से मिल रही झलक ने लोगों की एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया है। ऐसे में क्या अपकमिंग शो में वाणी के सामने नकली वीर का पूरी तरह से पर्दाफाश होने वाला है? क्या आने वाली कहानी में ऑडियंस वाणी को एकदम खतरनाक वाले रूप में देखेगी? जी हाँ, प्रोमो देखकर तो कुछ ऐसा ही साबित होता है, जहाँ वो खतरनाक अंदाज में मुंह खोले वाणी एकदम गुस्से में बदला लेने के लिए नजर आती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नकली वीर यानी धीरज धूपर की एंट्री के बाद दर्शकों का मजा चौगुना और बढ़ चुका है और काफी समय बाद नागिन के एक एक पल में वही रोमांच और सस्पेंस देखने को मिल रहा है जैसा कि शुरुआत में देखने को मिला करता था। ऐसे में नकली वीर की चाल और वाणी की ताकत जब सामने सामने टकराएगी तो इस शो का एक एक सीन देखने लायक होने वाला है। जहां आपको हमने ये गुड न्यूज दी थी कि शरद मल्होत्रा पूरी तरह से कोरोना से ठीक हो चुके हैं और रिपोर्ट्स नेगेटिव आ चुकी हैं और शो में आप उनकी दोबारा से एंट्री बहुत जल्द ही देखेंगे। जहां लोगों के दिमाग में ये सवाल भी उठ रहा है कि शरद मल्होत्रा यानी असली वीर की एंट्री क्या वीर के बहुरूपी बने धीरज धूपर का ट्रैक खत्म कर देगी, तो आपको बता दें कि कहानी में कुछ ऐसा ही ट्विस्ट आ सकता है जो शरद की एंट्री करवा सके और धीरज धूपर को इस शो से टाटा बाय बाय करवा सके। वैसे धीरज धूपर के किरदार को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले एपिसोड में वाणी बहुरूपी वीर का पर्दाफाश करती हुई नजर आएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।